उमरिया पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक और आरोपी शराब पार्टी कर रहे थे, इस दौरान नशे में गोली चल गई जिससे युवक की मौत हो गई। विगत 23 तारीख की दरमियानी रात्रि को उमरिया के घगरी नाका के पास अनिल बर्मन नामक युवक की हत्या अज्ञात तत्वों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिस पर स्थानीय निवासियों के द्वारा लाश को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया था और पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की गई थी। वहीं पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए 36 घंटों के अंदर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सहवाग ने बताया कि जन्मदिन की पार्टी एवं शराब के नशे के चलते गोली चल गई जिससे अनिल बर्मन की मौत हो गई थी। पाली थाने में सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात बाकी गगरी नाका का जो बाईपास उसके साइड में बड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँच के जब उसकी तस्दीकी करी गई तो पता चला कि वो अनिल वर्मन है जो गगरी का पास में ही, और पंचनामा देख के लगा कि वो उसकी जो डेथ हुई है वो बुलेट इंजरी की वजह से हुई है। तत्काल उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा के और बॉडी परिजनों को सौंप के और विवेचना कार्य किया गया। तत्काल 6 घंटे के भीतर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोहन मिश्रा, अमर प्रताप सिंह बघेल, इनको अरेस्ट किया गया और साथ ही इनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में, शस्त्र को डिस्पोज ऑफ करने में जो दो अन्य आरोपी थे कौशल विश्वकर्मा और ज्ञानेन्द्र पांडे, उनको भी अरेस्ट करके पूछताछ की गई। तो ये पता चला कि 23 तारीख को 9 से 10 की घटना है और मोहन मिश्रा का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में ये दोनों पार्टी कर रहे थे। उस दौरान कोई इनके अज्ञात कारणों से, अभी जो कारण अभी सही से ज्ञात नहीं हुआ है, उसकी वजह से इनको बीच में स्कफल हुआ और उसने उसको शूट कर दिया। वो इंजर्ड हालत में उसको छोड़ के और ये जो है ये मौके से फरार हो गए। साथ ही साथ इन्होंने इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करी लेकिन डर के मारे वापस लाश को घटनास्थल पर डंप कर दिया। इसके बाद ये दोनों अपने अपने जगह फरार हो गए और ये पूरी घटना थी। इसके आधार पे हम लोगों ने 3-4 को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ जारी है, विवेचना जारी है। पुलिस रिमांड के लेके ऐसा है कि क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में सहयोग नहीं कर रहे आरोपी, इसलिए इनकी 15 दिन के पुलिस रिमांड लेके और सघन पूछताछ की जाएगी और तथ्यात्मक चीज़ें जो हैं इकट्ठी करी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर जहां राहत की सांस ली, वहीं हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जिला उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।